शुक्रिया। मछली जाल में फंसने के लिए बेकरार है। मैं भी दाने के साथ एकदम रेडी हूँ। मछली आएगी और फंस जाएगी। अवस्थी की कार का क्या हुआ? जी सर, उठा ली सर, उसकी बेटी के लिए ली थी सर उसने। आज रात को अवस्थी की पर्सनल कार उठ जानी चाहिए। एक हम है जो तुझसे मिलना चाहते हैं और एक तू है जो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। मुझे तुझसे मिलना होगा ना, मैं खुद कॉल करूंगा। नमस्कार भाभी जी। मैंने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल के सारे मैनेजमेंट का काम नागनी को सौंप दूंगा। मछली जाल में फंसने के लिए बेकरार है। मैं भी दाने के साथ एकदम रेडी हूँ। सिद्धांत का एक सिद्धांत है, जिसको प्यार करे उसे दिल से लगा ले, और जिसको मजबूर करे उसे घुटनों पे ला दे। मेरी बेटी को अगवा कर लिए गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अभी उसे कॉल करती हूँ। वो कभी कभी नेटवर्क नहीं होता ना, तो स्विच ऑफ बताता है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। काकी, काकी फोन मिलाने से कोई फायदा नहीं है। काव्या का किडनैप हुआ है। नहीं, किडनैप नहीं हो सकता उसका। कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को। मैं फिर से कॉल करती हूँ। The subscriber is currently switched off. किडनैप नहीं हुआ उसका। हेलो काकी, काकी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कोई एक वजह बताओ मुझे, कोई एक वजह। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर कोई क्यों उसका किडनैप करेगा? काकी, काकी आप बैठिए आराम से। मुझे नहीं बैठना है। कहीं उसके सब कुछ गलत नहीं, उसका किडनैप ही हुआ होगा। किडनैपर को पैसे चाहिए होंगे ना, हम दे देंगे। तुम बस इतना पता करो कि वो कौन है। काकी, काकी मुझे लगता है कि काव्या का किडनैप शक्ति ने किया है। शक्ति, ये कैसे हो सकता है? शक्ति उसका भाई है, भला वो अपनी बहन का किडनैप क्यों करेगा? काकी, काकी मैं जानता हूँ कि आपके लिए इस पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं है जो जो काव्या के साथ ऐसा कर सकता है। नहीं, मैं नहीं मानती। हो सकता है कोई अनजान अजनबी, पैसों के लिए या फिर किसी और वजह से। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है। क्या?
कि काव्या ने आपसे उस दिन झूठ क्यों बोला कि वो मेरे साथ जा रही है, क्योंकि ना ही मैंने काव्या को कॉल किया था और ना ही काव्या ने मुझे कॉल किया था। क्यों झूठ बोला काव्या ने? सर मैं पहुंच गई, बस थोड़ी देर में अग्नि को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी। दुनिया में सबसे आसान काम है किसी डरे हुए को बेवकूफ बनाना। अग्नि को तो तुम लेके जा रही हो, लेकिन तभी वापस आना जब वो ब्लैंक पेपर पे साइन कर दे। अग्नि आ गई है। जी मेरे साथ ही है, हम बस किशोर सेठ से मिलने निकल ही रहे हैं। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। जी अग्नि जब इन पेपर पे साइन करेगी तो वो सिर्फ पेपर नहीं होंगे, वो एक जादू की छड़ी होगी जिसे मैं कभी भी घुमा के अवस्थी के हॉस्पिटल को अपना बना सकता हूँ। वो सिद्धांत सर का फोन था, वो कह रहे थे कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। यही तो वे क्या जो मुश्किल समय में हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा प्रिया, वैसे किशोर सेठ है कौन? वहाँ चलेंगे तो तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। वैसे वहाँ के लोकल ही हैं, मॉर्गेज पे पैसे देते हैं। स्ट्रेंज, पापा जानते थे पर उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, मैंने भी कभी नाम नहीं सुना। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। तो चले? हाँ चलो चलो। जितना कहता हूँ उतना करो। हाँ मुझसे जुबान मत लड़ाओ। काकी मुझे लगता है कि काव्या का किडनैप शक्ति ने किया है। हाँ ओके, एक एक पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए। रुको रुको, मैं करता हूँ बाद में बात। बाय बाय बाय। काव्या का किडनैप हुआ है शक्ति, कहीं इसमें तेरा कोई लेना देना तो नहीं? मैं काव्या का किडनैप करूंगा? माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? एक अच्छा भाई नहीं बन सका मैं, एक अच्छा बेटा भी नहीं बना, पर इतना भी नहीं गिरा हूं कि ऐसा काम करूंगा। बहन कहने का हक तो आपने छीन ही लिया, अब आपको माँ कह सकता हूं या वो भी नहीं? सॉरी बेटा, वो काव्या के साथ कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं उसके साथ कुछ गलत, किसी पे भी शक कर रही हूँ, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ आप रो मत, मैं लाऊंगा काव्या को, मैं ढूंढ के घर लाऊंगा काव्या को, आई प्रॉमिस। सॉरी।
डैड ऐसी जगह आते थे? मजबूरी में इंसान जगह नहीं देखता, बस काम देखता है। अब चले। किशोर से एक बात का ध्यान रखना, जब अग्नि वहां से निकले तो आपके हाथ में ब्लैंक पेपर होने चाहिए जिस पे अग्नि के सिग्नेचर हो, समझे? हाँ साहब, समझ गया। किशोरी सेठ। अरे प्रिया आओ। ये अग्नि, डॉक्टर अवस्थी की बेटी। अच्छा अच्छा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा, आओ बैठो। बेटा तुम्हारे पापा को जब भी पैसों की जरूरत पड़ती थी ना, वो मेरे पास ही आते थे। पर डैड ने आपके बारे में कुछ बताया नहीं। अरे बताते तो तब ना, जब मैं उनका कोई काम नहीं कर पाता, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, तो फिर ये सब बताने की उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। जब आप उनके इतने काम आया करते थे तो उनकी बेटी का भी आज काम कर दीजिए। अग्नि को पैसों की बहुत जरूरत है। पता है मुझे, सिद्धांत साहब ने बताया था मुझे। बेटा तुम्हें बस इन पेपर्स पे साइन करने हैं, मैं अब भी तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसमें तो ब्लैंक पेपर्स है। अरे डरो मत बेटा, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। अरे तुम्हारे पापा भी साइन करते थे। कोई बात नहीं, भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। अब इससे डॉक्टर अवस्थी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर तुम्हें कैसे होगी? कर दो साइन, मैं हूं ना। हम आपको सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे सकते हैं, और अगर 24 घंटे में हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो ये खबर हम मीडिया में दे देंगे। हाँ बता। क्या काव्या की जिस गाड़ी में किडनैपिंग हुई है वो चोरी की थी? मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, तो काव्या के बारे में कुछ पता चला क्या? ये तो हमें तुमसे पूछना है, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। मतलब? पुलिस का काम मतलब निकालना नहीं, नतीजा निकालना है। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या? सवाल जवाब सब पुलिस स्टेशन में, जब तुम्हारी इंटरोगेशन होगी। इंटरोगेशन? आप साफ साफ बताएंगे कि आप लोग यहाँ आए किस लिए? वो क्या है कि काव्या के भाई शक्ति ने कंप्लेन की है तुम्हारे खिलाफ। उसका कहना है कि काव्या के किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है। आप ये क्या बोल रही है? काव्या को वायु ने किडनैप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खुद उस कल्प्रिट को ढूंढ रहा हूँ। अभी तुम हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इंस्पेक्टर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि मैं आवाज नीचे। अपने घर में खड़े हो पर ये मत भूलो कि एक पुलिस के सामने खड़े हो। डोंट मेक मी रूड। इंस्पेक्टर आप गलत कर रही हैं। मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, और ड्यूटी में कुछ गलत सही नहीं होता। गलत होता है तो
तू सिर्फ क्रिमिनल। चलो इंस्पेक्टर। तो क्राइम साबित नहीं हो जाता ना, आप किसी को क्रिमिनल नहीं कह सकते। और क्रिमिनल जैसा बिहेव तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी इज्जत कर रहा हूं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कॉलर छोड़ दीजिए। मैं चल रहा हूं आपके साथ। भाई तो टेंशन मत ले, मैं कार्तिक को अभी फोन कर देती हूँ, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। चलो टेंशन मत ले तू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये लो बेटा तुम्हारे 2 करोड़। गिर लो बेटा अच्छी तरह से। नहीं अंकल, इट्स ओके, थैंक यू। अच्छा किशोरी जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। हेलो सिद्धांत साहब, आपका काम हो गया। उसने ब्लैंक पेपर से साइन कर दिए। उसने साइन नहीं किए, अपने हाथ काट के मुझे दे दिए। उन पेपर को मेरे पास पहुंचाओ। सिद्धांत का खेल सिद्धांत ही जाने। इंस्पेक्टर आप मुझ पर शक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटर होगा मुझसे पूछताछ करने की जगह काव्या को ढूंढिए। तो अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? इंस्पेक्टर आप मेरी बात समझने की कोशिश। नीचे। सच सच बता काव्या कहाँ, क्या किया तूने उसके साथ, बोल कहाँ है काव्या? काव्या को मैंने नहीं तूने किडनैप किया है। मुझे तो मैं पीछे मैम मुझे सब पता है कहाँ है काव्या, और अब यहाँ नाटक कर रहा है वो। तो जब काव्या आएगी ना तब पता लग जाएगा कौन नाटक कर रहा है। बताएगी तो तब ना, जब तू उसे छोड़ेगा। I said stop it! सकते। और एक बार तूने अगर वायु पे इल्जाम लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारा रिश्ता क्या है। लो आ गया इसका वकील। मैम ये बेल दिलाने लेके आए, और अगर आपने वायु को जाने दिया तो काव्या कभी नहीं मिलेगी, और अगर आपने इसकी बात सुनी तो काव्या के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी तो मैसेज छोड़ रही हूँ, पर ये अंडर सर्वेलेंस रहेगा, और अगर काव्या के कनेक्शन में इसका कोई भी हाथ निकला ना तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में सीधा अंदर जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चल ये लीजिए आपके पैसे।
हमें हमारे पैसे मिल गए, तो मैटर खत्म, हम लोग निकलते हैं। थैंक यू सो मच। रुकिए, आप थैंक यू नहीं, सॉरी बोलिए। हम सॉरी, मैं समझा नहीं। आप ही ने कहा था ना कि मेरे डैड फ्रॉड हैं, वो लोगों का पैसा लेके भाग जाते हैं, पर ऐसा नहीं, आपके पैसे आपको मिल गए, तो अब आप अपना स्टेटमेंट बदल दीजिए और सबको सॉरी बोलिए। वेल, वी आर सॉरी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तुम्हें और तुम्हारे डैड में कोई फर्क नहीं है, उनके रहते हैं हम पे कभी कोई मुसीबत नहीं आती। अग्नि, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? बता, तेरे पास इतना पैसा कहां से आया? भैया, सच में सच जानना चाहती हैं? मैं घर की बड़ी बेटी हूं, मेरा जानना जरूरी है कि तेरे पास इतना पैसा आया कहां से। ऐसे क्या बात कर रही हो तुम? कुछ चोरी नहीं की उसने? खंडाला वाला फार्म हाउस उसने गिरवी रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसने मेरी परमिशन ली है। हाँ, मॉम सही कह रही है, मैंने मॉम की परमिशन लेकर ही फार्म हाउस को गिरवी रखा है। मॉम, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम खंडाला वाला फार्म हाउस कैसे गिरवी रख सकती हो? जैसे सब रखते हैं। मैं मॉर्गेज पेपर्स लेकर गई, साइन करवाए, पैसे मिल गए। तुम खंडाला वाला फार्म हाउस गिरवी नहीं रख सकती क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बेच चुकी हूं। Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.